गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग कम्युनिकेट विथ कैम्ब्रिज क्लास फिफ्थ का छठा चैप्टर हैदी लर्न्स टू रीड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या है इस चैप्टर में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैदी इज अ स्टोरी ऑफ एन 8 ईयर ओल्ड स्विस ऑर्फेन हु गोज टू लाइव विथ हर ग्रैंड फादर इन द आप्स इन स्विट्जरलैंड। जो ये स्टोरी है हैदी के बारे में, वो हैदी एक 8 साल की बच्ची है जो ऑर्फेन है, यानी कि वो अनाथ है, जिसके माता पिता मर चुके हैं। वो अपने दादाजी के साथ आल्प्स में, स्विट्जरलैंड में एक जगह है आल्प्स, वहाँ पे वो रहने जाती है। इसी के बारे में आज स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एक हैदी जो है वो बचपन से ही अनाथ है, उसके माता पिता मर चुके हैं, और वो पढ़ना सीख जाती है। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हैदी 8 साल की एक छोटी सी बच्ची है, उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। शी ग्रोज टू लव द माउंटेंस। वो बचपन से ही पली बड़ी है माउंटेंस में, यानी कि पर्वतों पे, पहाड़ों पे। द फ्लावर्स एंड द एनिमल्स। वो बचपन से ही पर्वतों के साथ, फूलों के साथ और जानवरों के साथ पली और बढ़ी है। शी मेक्स फ्रेंड विथ पैटा हु ग्रेजेज हर फादर्स गोट। वो एक अपना एक साथी चुन चुकी है, दोस्त बना चुकी है पेटर को, जो उसके दादाजी को बकरियां को चराया करता था, उसी को अपना दोस्त बना चुकी है। व्हेन शी इज सेंट टू फ्रैंकफर्ट टू बी अ कंपेनियन टू ए रिच गर्ल। जब उसको एक रिच गर्ल यानी कि धनी मनी छोटी सी लड़कियों की कंपेनियन बना करके, साथी बना करके फ्रैंकफर्ट भेजा जाता है, जिसका नाम है क्लारा। शी इज वेरी अनहैप्पी एंड मिसेज द माउंटेन्स एंड द पाइन ट्री। और वह जब क्लारा की दोस्त बन के वहाँ पे जाती है फ्रैंकफर्ट में, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद वो अपने आप को नाखुश, अनहैप्पी, और वो पूरे माउंटेंस को और पाइन ट्री को मिस भी करती है। शी ऑल्सो मीट्स क्लाराज ग्रैंड मदर फॉर द फर्स्ट टाइम। और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो फर्स्ट टाइम क्लारा की ग्रैंड मदर यानी कि दादी माँ को पहली बार मिलती भी है। इन दिस एक्सट्रैक्ट क्लाराज ग्रैंड मदर बिगिन्स टू अंडरस्टूड हाउ मच हैदी लॉन्ग्स टू गो बैक टू द माउंटेन्स एंड द ब्राइट सनशाइंस। तो इस कहानी में एक छोटा सा अंश में ये बताया गया है कि कैसे दादी माँ हैदी को गाइड करती है, और ये देखना चाहती है कि कैसे वो माउंटेन्स और ब्राइट सनशाइन को पीछे छोड़ चुकी है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हैदी लर्न्स टू रीड। द फॉलोइंग डे आफ्टर डिनर क्लाराज ग्रैंड मदर फ्राउ सेसेमैन सेड टू फ्रॉलिन रोटेनमेयर द हाउस कीपर गो एंड ब्रिंग हैदी टू माई रूम। आई हैव सम नाइस बुक्स विथ मी डैट आई वुड लाइक टू गिव हर। उस दिन डिनर के बाद यानी कि रात्रि के भोजन के बाद, जो क्लारा की ग्रैंड मदर है फ्राउ सेसेमैन, वो अपने नौकर यानी कि हाउस कीपर जो घर की रखवाली करता है, उसका नाम फ्रॉलिन रोटेनमेयर है, उसको बोलता है कि जाओ और हैदी को मेरे रूम पे बुला के लेके आओ, मेरे पास कुछ अच्छी किताबें हैं, मैं उसको देना चाहता हूँ। बट दैट्स जस्ट इट, रिप्लाइड फ्रॉलिन रोटेनमेयर थ्रोइंग अप हर हैंड्स इन डिसपियर। वो उदास मन से अपना हाथ ऊपर करके बोला, जो हाउस कीपर है फ्रॉलिन रोटेनमेयर, बोला कि बस ऐसे ही, क्या उसको देने की ज़रूरत है। वाट यूज आर बुक्स टू हर। उसको बुक देने की क्या ही ज़रूरत है। शी डज नॉट इवन नो द अल्फ़ाबेट 8। उसको तो अभी तक अल्फ़ाबेट के बारे में भी नहीं पता है। जो फ्रॉलिन रोटेनमेयर है, जो हाउस कीपर है, क्लारा की हाउस कीपर है, जो उसको ग्रैंड मदर बोली थी जा कर के हैदी को मेरे रूम पे बुला के लेके आओ, मैं उसे कुछ बुक्स देना चाहता हूँ। तो जो हाउस कीपर फ्रॉलिन रोटेनमेयर है, वो बोलता है कि उसको बुक्स देने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि उसे तो अभी तक ABCD भी नहीं आती है, यानी कि उसे अभी तक तो अल्फ़ाबेट भी नहीं आती है। इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू टीच हर एनीथिंग। उसको पढ़ाना मुश्किल नहीं, असंभव है, उसको कुछ भी पढ़ाना असंभव है। द ट्यूटर विल टेल यू हिमसेल्फ। जो ट्यूटर है, जो उसको हैदी को पढ़ाने आता है, वो खुद ही आपको बता देगा कि उसको पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। इफ़ ही डिडंट हैव द पेशेंस ऑफ ए सेंट He would have given up trying to teach her long ago। अगर वो शांत मन का नहीं होता, अगर शांत स्वभाव का नहीं होता, तो वो कब तक उसको
पढ़ाना छोड़ दिया होता है आदि को, क्योंकि इसे कुछ भी नहीं आता है, इसे तो अल्फ़ाबेट भी नहीं आता है, ए बी सी डी भी नहीं आती है। इसीलिए अगर वो जो ट्यूटर है अगर वो शांत स्वभाव का नहीं होता तो हैदी को कभी उसको पढ़ाना छोड़ दिया होता। वेल दिस इज स्ट्रेंज, अब दादी माँ बोली अच्छा यह अजीब बात है। द चाइल्ड डज नॉट स्ट्राइक मी एज बींग स्टूपिड, लेकिन बच्ची तो मुझे कभी भी स्टूपिड लगी ही नहीं। सेड फ्रॉलिन सेसे में शॉर्टली, बहुत ही धीरे से बोली कि मुझे तो वो बच्ची जो हैदी है मुझे तो स्टूपिड कभी लगी ही नहीं, ये तो बहुत ही अजीब बात है। नाउ गो एंड फेच हर, जाओ और उसे बुला करके लेके आओ। सी कैन टुक एट द पिक्चर्स फॉर द टाइम बींग, उसे बुला करके लेके आओ और वो सिर्फ अभी पिक्चर ही देखेगी, यानी कि जो बुक्स में किताबें में जो फोटो है जो पिक्चर है उसको सिर्फ देखेगी। फ्रॉलिन रोटेमेयर वाज अबाउट टू से मोर, जो फ्रॉलिन रोटेमेयर जो हाउस कीपर है कुछ और बोलना चाहता था, बट फ्रॉ सेसेमैन हैड टर्न अवे एंड गोन क्विकली, लेकिन जो सेसेमैन जो ग्रैंड मदर है वो मुड़ी और बहुत ही जल्दी वहाँ से चली गई। टुवर्ड्स हर ऑन रूम, अपने रूम की तरफ। सी वॉज वेरी सरप्राइज्ड एट फ्रॉलिन रोटेमेयर रिमार्क्स एंड वॉज डिटरमाइंड टू फाइंड आउट मोर अबाउट द होल मैटर, वो बहुत ही आश्चर्य हुई और वो उस मैटर के बारे में उस बात के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहती थी। यही जानना चाहती थी कि मैं तो समझती थी कि हैदी कुछ ना कुछ जानती होगी, हैदी बहुत ही अच्छी गर्ल्स होगी, लेकिन उसे तो कुछ भी नहीं आता है। ये जो दादी माँ है फ्रॉलिन, जो फ्रॉलिन फ्रॉ सेसेमैन दादी माँ है, उसको आश्चर्य हुआ कि जो रोटेनमेयर जो बात बोला उसको बहुत ही ध्यान से सोची और बोली कि यह तो आश्चर्य बात है, मैं इसको बहुत ही गहरे से खोजूंगा, गहरे तरीका से खोजूंगा कि उसे क्या कुछ नहीं आता है। परहैप्स द ट्यूटर वुड हेल्प, अब वो बोल रही है कि शायद मुझे ट्यूटर हेल्प करेगा उसको बताने में। ऑल दो हिज कन्वर्सेशन वॉज सो राउंड अबाउट एंड लेंथी दैट शी फेल्ट दैट इट माइट बी डिफिकल्ट टू गेट टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, चूँकि जो ये कन्वर्सेशन जो बातचीत जो हाउस कीपर और ग्रैंड मदर के बीच में था वो गोल मटोल था और बहुत ही लेंदी हो चुका था, इसीलिए इस समस्या के जड़ तक जाना बहुत ही मुश्किल था। हैदी वाज ग्रीटली डिलाइटेड विद द पिक्चर्स कलर्ड ब्यूटीफुल कलर्ड पिक्चर इन द बुक्स विच ग्रैंड मदर हैड ब्राउट, जब हैदी को बुक दिया गया तो वो बहुत ही खुश हुई पिक्चर को देख करके, क्योंकि उसमें बहुत सारे कलर्ड पिक्चर थे, यानी कि रंग बिरंगी पिक्चर्स थे, फोटो थी, इसीलिए जब हैदी को बुक दिया गया खरीद करके तो देख करके बहुत ही खुश हुई, डिलाइटेड हुई। सडनली एकाएक सी क्राइड अलाउड एज सी टर्न्ड ए पेज, और एकाएक वो चिल्लाने लगी जैसे ही वो एक पेज को मोड़ी तो वो बहुत ही चिल्लाने लगी। एंड व्हेन द ओल्ड लेडी लुक्ड एट द चाइल्ड सी सॉ दैट टीयर्स विथ स्ट्रीमिंग डाउन हर चीक्स, और जब वो दादी माँ थी ओल्ड लेडी जब उसको देखी तो देखी कि उसका जो पूरा आंसू है उसके गालों पे क्या आ चुका है, बह रहा है। सी लुक्ड एट वंस एट द पिक्चर, जब वो एक पिक्चर को वहाँ पे देखी, इट डिपिक्टेड ए ब्यूटीफुल ग्रीन पास्चर विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनिमल्स ग्रेजिंग, जब वो पिक्चर को देखी तो वो देखी कि वहाँ पे एक पास्चर है यानी कि एक चरागाह है जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स जो है ग्रेजिंग कर रहे हैं यानी कि चर रहे हैं, तो वही देख करके जो हैदी है वो उसका आंसू बह रही है, इसीलिए देख करके उसको आश्चर्य हुआ दादी माँ को। इन द मिडेस्ट, इसके मध्य में ही ए शेफर्ड लर्नट अपॉन हिज स्टिक एंड लुक्ड हैप्पली एट हिज फॉक, और इसकी जो चरागाह है जो पास्चर है उसके बीच में एक शेफर्ड है यानी कि जो भेड़ बकरियों को चराने वाला एक बच्चा है जो बहुत ही खुश नज़र आ रहा है अपने फॉल्क के साथ यानी कि झुंडों के साथ। एवरीथिंग वॉज बाथ इन ए गोल्डन लाइट फॉर द सन वॉज जस्ट सेटिंग टू द हॉरिजन, और सभी कुछ अच्छा था लेकिन वहाँ पे सिर्फ शाम का समय था ऐसा प्रतीत हो रहा था। ग्रैंड मदर टूक हैदीज हैंड जेंटली, और जो दादी माँ थी वो बहुत ही प्यार से हैदी का हाथ थाम ली। डोंट क्राई डियर चाइल्ड, डोंट क्राई, रो मत बच्ची रो मत, द पिक्चर है रिमाइंड यू ऑफ समथिंग परहैप्स, ऐसा मुझे लग रहा है कि जो पिक्चर है तुमको कुछ ना कुछ रिमाइंड किया यानी कि तुमको कुछ ना कुछ याद आ गया। बट लुक, बट देखो, देयर इज़ ए ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट इट एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इट टुनाइट,
और इसके पीछे बहुत ही अच्छा स्टोरी है, बहुत ही अच्छा कहानी है, और मैं ये रात आपको बताने जा रही हूँ कि क्या है इस स्टोरी में। देयर आर मेनी ब्यूटिफुल स्टोरी इन दिस बुक विच कैन बी रीड ओवर एंड ओवर अगेन। इस बुक में बहुत ही अच्छे अच्छे स्टोरी है जिसको आप बार बार पढ़ना चाहोगे। और मैं ये जो पास्टर है यानी कि जो सेफर्ट के बारे में जो एक पिक्चर है उसके बारे में आज हम इस रात में पूरे बताने जा रही हूँ। तो इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे शायद इसी पिक्चर को देख करके जो हैदी है उसका उसके आंखों में आंसू आ गए होंगे। और दादी माँ इसी के बारे में आज कहानी बताने जा रही है। जो ये सेफर्ड है इसके बीच में बहुत सारे भेड़ बकरियाँ यहाँ पे चढ़ रहे हैं, पास्चर है, पास्चर यानी कि घास का मैदान होता है, PASTURE पास्चर यानी कि घास का मैदान। तो साथ साथ वर्ड मीनिंग भी आप याद कर सकते हैं। कम नाउ, इधर आओ, वी मस्ट हैव ए चैट। हम लोग के बीच में कुछ ना कुछ बात होना चाहिए। सो ड्राई योर टीयर्स एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी सो डैट आई कैन लुक एट यू। तो अपना आंसू पोछ लो और मेरे सामने खड़ी हो जाओ, मैं तुमको देखना चाहता हूँ, देखना चाहती हूँ। डैट्स राइट, बहुत अच्छा। नाउ वी आर हैप्पी अगेन, और हम लोग फिर से क्या हो गए, खुश हो गए। हैदी ट्राइड वेरी हार्ड टू स्टॉप सोबिंग एंड वेन एट लास्ट शी सक्सीड। जो हैदी है वो अपना आंसू है बहुत ही मुश्किल से रोक पा रही थी और आखिरकार वो लास्ट में सक्सेस भी हो गई। ग्रैंड मदर सेड नाउ आई वॉन्ट यू टू टेल मी समथिंग। अब दादी माँ बोल रही कि मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। हाउ आर यू गेटिंग ऑन विथ योर लेसन्स। तुम कैसे समझोगे इस लेसन के बारे में। डू यू लाइक देम, क्या तुमको ये पसंद हुआ। आर यू डूइंग वेल, क्या तुम अच्छा कर रही हो। ओह नो, रिप्लाइड हैदी शाइंग, और वो फुसफुसा करके रोती ही आवाज़ में बोले कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बट आई न्यू इट वुड बी इम्पॉसिबल, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यह असंभव ही है। वाट इज इम्पॉसिबल हैदी, वाट डू यू मीन। अब दादी माँ बोली, असंभव क्या होता है हैदी, तुम क्या कहना चाहती हो। टू लर्न टू रीड इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, पढ़ना और लिखना मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत ही मुश्किल लगता है। यू डोंट से सो, ऐसा मत कहो। एंड हु टोल्ड यू दिस। अब दादी माँ बोली, ऐसा मत कहो, लेकिन तुमको ये कौन बोला। पीटर ने कहा। एंड ही नोज फॉर ही हैज़ ट्राइड बट कांट रीड इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। वो जानता है पीटर कि बहुत कोशिश किया पढ़ने का लेकिन वो पढ़ नहीं पाया क्योंकि पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। इट इज़ टू डिफ़िकल्ट, यह पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। दादी माँ हैदी से पूछ रही है कि तुमको कौन बताया है कि पढ़ना मुश्किल है। तो जो हैदी है बोल रही है कि मुझे पीटर बताया, वो पीटर बहुत पढ़ा भी था, बहुत कोशिश भी किया लेकिन वो पढ़ नहीं पाया। वो बता रहा था कि इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू रीड। वॉट ए बॉय पीटर मस्ट बी देन, कैसा लड़का होगा पीटर। दादी माँ गुस्से से बोल रही है, बट लिसन टू मी, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो हैदी। वी मस्ट नेवर बिलीव वॉट द पीटर से बट ट्राई फॉर आवर सेल्फ। तुम जो पीटर कुछ भी बोला है उसके बातों पे भरोसा मत करो और खुद से कोशिश करो। आई एम श्योर यू हैव नेवर पेड एनफ अटेंशन टू योर लेसन और लुक्ड प्रॉपरली एट लेटर्स। मैं जानती हूँ कि तुम कभी भी बहुत ही ध्यान से पढ़ाई के बारे में नहीं सोची हो और लेटर्स को भी बड़े ध्यान से कभी नहीं देखी हो। इट्स ऑफ नो यूज, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, सेड हैडी विथ ए ग्रेट साइन ऑफ रेजिग्नेशन। और वो बुक्स दे करके इधर बोले कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ हैदी लिसन टू वॉट आई हैव टू से, हैदी मैं जो बोलने जा रही हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनो। You have not been able to read because you believed what Peter said. तुमको पढ़ना लिखना नहीं आता है, क्यों नहीं पढ़ना लिखना आता है, क्योंकि जो भी पीटर बोल दिया है उसके बातों पे तुम भरोसा कर ली हो, इसीलिए तुमको अभी तक पढ़ना लिखना नहीं आया है। Now you must believe what I say
When I tell you that you can learn to read like many other children who are like you and not like Peter. और ध्यान से सुनो, मैं अब बताने जो जा रही हूँ उसको भरोसा करो, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तुम्हारी तरह थे और बाद में पढ़ना भी जान गए, और बहुत सारे ऐसे बच्चे पढ़ना जान गए हैं नॉट लाइक अदर, पीटर की तरह बहुत ऐसे नहीं है जो पढ़ नहीं पाए और बोल रहे हैं पढ़ाई बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तुम्हारी तरह थे और पढ़ना लिखना जान गए। फर्स्ट यू मस्ट नो व्हाट हैपेंड व्हेन यू आर एबल टू रीड, पहले तुमको ये जानने की ज़रूरत होगा कि जब तुम पढ़ लोगे तो क्या होगा। डू यू सी द शेफर्ड ऑन द ब्यूटीफुल ग्रीन पेस्चर, क्या तुम उस शेफर्ड को देखो जो बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रास यानी कि चरागाह के पास एक जो शेफर्ड था, जो गरेड़िया था, जो भेड़ बकरियों को चरा रहा था। वेल एज सून एज यू कैन रीड, और तुम बहुत जल्दी पढ़ना लिखना जान जाओगी। यू शैल हैव द बुक फॉर योर वेरी ऑन एंड देन यू विल नो द होल स्टोरी जस्ट एज इफ समवन वेयर टू टेल इट यू, और बहुत जल्द ही तुम्हारे पास अपना बुक होगा और जो स्टोरी मैं बताने जा रहा हूँ खुद से तुम समझ जाओगे जब तुमको कोई बताएगा। व्हाट द शेफर्ड डिड विद हिज शीप एंड गोट्स एंड द वंडरफुल थिंग्स दैट हैपेंड टू हिम, जो शेफर्ड है, जो गरेड़िया है, वो अपने भेड़ बकरियों के साथ क्या किया, वो सारा चीज़ तुम जान जाओगी। वुड नॉट यू लाइक टू नो ऑल डैट हैदी, क्या तुम ये सब नहीं जानना चाहती हो हैदी। तो आप स्टोरी में देख रहे होंगे स्टोरी में कि कैसे दादी माँ हैदी को बहुत ही भरोसा दिला रही है कि तुम पढ़ना लिखना जान जाओगी। जो पीटर है तुमको बेवकूफ़ बना दिया है, उसकी बातों पे भरोसा मत करो। पीटर खुद पढ़ा नहीं, इसीलिए वो कभी कोशिश ही नहीं किया पढ़ने का, इसीलिए उसको पढ़ाई मुश्किल लग रहा होगा, डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। लेकिन तुम कभी अपने ध्यान से कभी पढ़े ही नहीं हो, लेटर्स को तुम कभी ध्यान से देखी ही नहीं हो, इसीलिए तुमको पढ़ना लिखना मुश्किल लग रहा होगा। क्या तुम उस शेफर्ड को जो पास्चर में यानी कि चारागाह में जो शेफर्ड है उसके बारे में स्टोरी में तुम नहीं जानना चाहोगी। तो दादी माँ उसको हिम्मत बढ़ा रही है, उसको भरोसा दिला रही है कि तुम पढ़ना लिखना जान जाओगे। हैदी हैड बीन लिसनिंग विथ कीन अटेंशन एंड नाउ एक्सक्लैम्ड विथ स्पार्कलिंग आई, ओह इफ ओनली आई कुड रीड ऑलरेडी। हैदी बोलती है कि मैं उससे पढ़ना लिखना जानती हूँ, मैं उसको आराम से पढ़ सकती हूँ। वो बहुत ही ध्यान से कीन अटेंशन के साथ दादी माँ की बात सुन रही थी और उसका आँख बहुत ही स्पार्कलिंग यानी कि बहुत ही अच्छे से चमक उठा और बोले कि मैं इफ़ ओनली आई कुड रीड ऑलरेडी, मैं उसको पहले से ही पढ़ चुकी होगी। यू विल लर्न इन नो टाइम, तुम इसको पढ़ना बहुत ही जल्द सीख जाओगी। दादी माँ बोल रही है आई कैन सी डैट, मैं देख सकती हूँ कि तुम बहुत ही पढ़ना लिखना जल्दी जान जाओगी हैदी। बट नाउ वी मस्ट गो टू क्लारा, लेकिन अब मुझे क्लारा के पास जाना होगा। कम मेरे साथ चलो, वी विल टेक द बुक्स विथ अस, हम लोग बुक को साथ में लेकर के चलेंगे। ग्रैंड मदर टुक हैदी हैंड्स एंड दे वेंट टुगेदर इन टू द स्टडी, जो ग्रैंड मदर है दादी माँ हैदी का हाथ पकड़ ली और दोनों स्टडी के लिए पढ़ाई करने के लिए साथ चले गए। From the day Hedy had tried to go home and Fräulein Rottenmeier had scolded her for being so weak and ungrateful, जो हैदी है वो बार बार उस घर में जाना चाहती थी लेकिन जो हाउस कीपर है उसको डांट दिया था एक बार क्योंकि वो weak और ungrateful थी, तो उसको डांट दिया था इसीलिए वो डर गई थी। और वो क्योंकि जो Fräulein Rottenmeier है, जो Rottenmeier जो हाउस कीपर है उसको डांट दिया था, किसको, हैदी को। ए चेंज हैड कम ओवर द चाइल्ड, एक सुधार आ गए बच्चे में। सी नाउ न्यू डैड सी कुड नॉट गो होम वेन एवर सी लाइक्ड, लेकिन उसको यह पता चल गया कि वो जब चाहे वो घर नहीं जा सकती थी। बट डैड सी हैड टू स्टे इन फ्रैंकफर्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, लेकिन उसे रहना तो बहुत ही लंबा था फ्रैंकफर्ट में, मे बी फॉर एवर, ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत लंबे समय के लिए नहीं हमेशा के लिए फ्रैंकफर्ट में ही रहना पड़ सकता है। देयर वॉज नो बडी टू होम सी कुड से हाउ होम सिक सी वॉज, वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था जिसको वो अपने बारे में बता सकती थी। फॉर सी कुड नॉट फेस गिविंग द ग्रैंड मदर, वो अपने दादी माँ को भी नहीं फेस कर सकती थी। हु वॉज सो काइंड टू हर कॉज टू बी एंग्री एज Fräulein Rottenmeier हैड बीन, वो कभी कभी गुस्से भी हो सकती थी।
जैसे रोटनमेयर हुआ करता था। दादी माँ बहुत ही काइंड थी, लेकिन वो कुछ भी दादी माँ को भी नहीं बता सकती थी। शी कुड नो लॉन्गर ईट एंड ग्रीव थिन। वो बहुत ही खाना पीना छोड़ दी और वो पतली होती जा रही थी। शी ले अवेक फॉर लॉन्ग आवर थिंकिंग ऑफ हर लाइफ इन द माउंटेन। और वो बार बार पहाड़ों पे ही अपना जीवन व्यतीत करना सोच रही थी। वेन एट लास्ट शी फेल अस्लीप शी ड्रीम्ड ऑफ रेड समिट्स एंड द सनशाइन एंड द फ्लावर। जब वो सो गई तो अपने सपने में रेड समिट्स देखी और सनशाइन को भी देखी, फ्लावर को भी देखी। वेन शी अवोक इन द मॉर्निंग शी वॉन्टेड टू रन हैप्पीली इन द सन, बट शी सून रियलाइज डैट शी वॉज इन द बिग बेड इन द फ्रैंकफर्ट। लेकिन जब वो उठी तो वो सोची कि मैं दौड़ना चाहती हूँ, खुशी से सूरज को देख करके दौड़ना चाहती हूँ। लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि वो तो अभी फ्रैंकफर्ट में बहुत ही बड़े बेड पे सोई हुई है। देन हैदी वुड वीप लॉन्ग एंड क्वाइटली। और तभी हैदी बहुत ही लंबे बहुत ही देर चुपचाप रोती रही। हर हेड प्रेस्ड इन टू द पिल्लो सो डैट नो वन कुड हियर। और हैदी जो थी रोते रोते अपना सर को पिल्लो पे यानी कि तकिए पे छुपा ली ताकि कोई भी रोना उसका नहीं सुने। हैदीज अनहैप्पीनेस डिड नॉट एस्केप ग्रैंड मदर्स नोटिस। जो हैदी जब रो रही थी तो ग्रैंड मदर्स जो ग्रैंड मदर है वो जान गई और पता कर ली, उसको नोटिस में आ गया कि हैदी रो रही है। वन डे सी आस्क्स हर व्हाट द मैटर वॉज। और एक दिन आखिरकार दादी माँ पूछी ली कि मैटर क्या है, क्या बात है, क्या परेशानी है हैदी, तुम रोती क्यों रहती हो। हैदी वॉज अफ्रेड टू टेल हर द ट्रूथ। जो हैदी है उसको सच्चाई बताने में डर रही थी। शी डिज नॉट वॉन्ट द काइंड ग्रैंड मदर टू थिंक शी वॉज एन अनग्रेटफुल चाइल्ड। वो नहीं चाहती थी कि दादी माँ उसके बारे में जान जाएँ कि वो एक एहसान फरमोश अनग्रेटफुल चाइल्ड है। सो शी सेड प्लीज आई कैन नॉट टेल यू। और वो रिक्वेस्ट की कि मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाऊँगी। कुड यू टेल क्लारा देन। दादी माँ पूछ रहे क्या तुम आप क्लारा को बता सकती हो, इसको क्लारा को तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओह नो आई कैन नॉट टेल एनी वन सेड हैदी पिटीफुली। जो हैदी थी वो बोली कि नहीं मुझे किसी को भी नहीं बताना है। वो करुणापूर्वक बोली कि मुझे किसी को भी नहीं बताना है। देन लिटिल वन लेट मी टेल यू व्हाट टू डू। तब दादी माँ बोली कि बच्ची सुनो मुझे अब क्या करना है, मैं तुमको बता रही हूँ। वेन वी आर इन डिफ़िकल्टी एंड कैन नॉट स्पीक अबाउट इट टू एनीबॉडी वी मस्ट प्रे टू गॉड फॉर हेल्प। जब हम समस्या से घिरे हुए रहते हैं और ऐसा लगता है कि मैं किसी को नहीं बताऊं, तो उसके लिए होता है कि वी मस्ट प्रे टू गॉड फॉर हेल्प। तब मुझे सारा समस्या गॉड को बता देना चाहिए, भगवान को बता देना चाहिए, ईश्वर को, अल्लाह को बता देना चाहिए और समस्या को वो ज़रूर सुनते हैं। देन विल लिसन आवर पेन डैट विल लिसन आवर पेन। और वो जो गॉड है वो हमारी समस्या को ज़रूर सुन जाएंगे। ए सडन लुक ऑफ जॉय कम केम इन टू हैदीज आई। और तभी एक खुशी उसके आँखों में आ गई जो हैदी के, एकाएक खुश हो गई हैदी। मे आई टेल हिम एवरीथिंग। क्या मैं गॉड को सारा चीज़ बता सकती हूँ। यस हैदी एवरीथिंग, तुम कुछ भी बता सकती हो। इट वॉज अबाउट अ वीक आफ्टर दिस डैट द ट्यूटर मी मेट द ग्रैंड मदर एंड गेव द ग्लैड न्यूज डैट हैदी हैड एटलीस्ट लर्न टू रीड। और यहाँ के बाद जब वो हैदी अपने गॉड को सारा समस्या बता दी, उसके कुछ ही सप्ताह बाद यानी कि अबाउट ए वीक, एक वीक के बाद ही जब ट्यूटर ग्रैंड मदर से मिलने आया तो एक खुशी का न्यूज दिया, खुशी गुड न्यूज दिया कि हैदी एटलीस्ट अब कुछ ना कुछ पढ़ना सीख गई है। ही सेड इट लुक्ड एज दो हैदी हैड लर्न टू रीड ओवरनाइट अनलाइक मोस्ट बिगनर। और वो बताया कि ऐसा लग रहा है कि जो हैदी है एक ही रात में सारा कुछ पढ़ना सीख गई है, दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। जो मोस्ट बिगनर ऐसे होते हैं कि बहुत समय लेते हैं पढ़ना लिखने में सीखने में, लेकिन हैदी जो थी
एक ही नाइट में, ओवर नाइट में, मतलब कि बहुत जल्दी पढ़ना और लिखना सीख गई थी। लाइफ इज फुल ऑफ मिरेकल्स फ्रॉस एस एम एन स्माइल्ड। ऐसा लग रहा है कि जो जीवन है, जिंदगी है, लाइफ है, बहुत ही मिरेकल से भरा हुआ है, चमत्कार से भरा हुआ है। दादी माँ मुस्कुराते हुए बोल रही है, नाउ वी मस्ट बी ग्लैड द चाइल्ड हैज़ मेड ए गुड बिगनिंग एंड होप फॉर हर फ्यूचर प्रोग्रेस। जो दादी माँ बोली कि ऐसा अब लग रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है कि जो बच्ची कम से कम पढ़ना लिखना सीख गई है और वो अच्छा करेगी फ्यूचर में, ऐसा मुझे होप है। अपना बिगिनिंग भी अच्छा कर ली, अपना स्टार्ट भी बहुत ही अच्छा कर ली है और वो फ्यूचर में अच्छा करेगी, और ये खुशी की बात है कि जो हैदी है पढ़ना लिखना सीख गई है। द ग्रैंड मदर वेंट डाउन टू स्टडी टू मेक श्योर ऑफ गुड न्यूज। अब दादी माँ नीचे जाती है ये सुनिश्चित करने, ये श्योर करने कि क्या वो पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, यानी कि जो ट्यूटर उसको गुड न्यूज़ दिया था दादी माँ को कि हैदी एक ही नाइट में, ऐसा लग रहा है कि एक ही नाइट में पढ़ना लिखना सीख गई है, तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, जानने के लिए कि गुड न्यूज़ सही है कि नहीं, वो स्टडी रूम में जाती है। देयर श्योर एनफ वाज हैदी सिटिंग बिसाइड क्लारा एंड रीडिंग अलाउड टू हर। और ऐसा लग रहा है कि वो हैदी जो थी क्लारा की बगल में बैठी हुई है और वो क्या कर रही है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से पढ़ रही है। इविडेंटली वेरी मच सरप्राइज हरसेल्फ, वो अपने आप को बहुत ही आश्चर्य और खुश किस्मत नज़र आ रही थी। एंड ग्रोइंग मोर एंड मोर डिलाइटेड विद द न्यू वर्ल्ड डैच वाज नाउ ओपन टू हर एज द ब्लैक लेटर्स ग्रीव अलाइव एंड टर्न इनटू मेन एंड थिंग्स एंड एक्साइटिंग स्टोरी। और वो बहुत ही खुश हो रही थी क्योंकि जो हैदी को कुछ भी नहीं आ रहा था, सारे चीज़ ब्लैक लेटर की तरह दिख रहे थे, काला अक्षर की तरह दिख रहा था, वैसे ही अब हैदी जो है कुछ ना कुछ पढ़ना सीख गई थी और बहुत ही दादी माँ बहुत ही खुश हो रही थी। द सेम इवनिंग एट द डिनर टेबल, सेम इवनिंग उसी शाम जब सभी लोग डिनर टेबल पे थे, रात्रि का खाना खा रहे थे, हैदी फाउंड द लार्ज बुक विद द ब्यूटीफुल पिक्चर्स बाई हर प्लेट। और हैदी देखी कि उसके प्लेट के नज़दीक में ही बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स, यानी कि सुंदर पिक्चर वाले किताबें वहाँ पर पड़े हुई है। When she looked questioningly at the grandmother, the old lady nodded kindly to her and said, "Yes, it is yours now." जब वो क्वेश्चन की तरफ, मतलब कि आश्चर्यजनक रूप से दादी माँ की तरफ देखी तो दादी माँ यस बोली और बोली कि हाँ हाँ हाँ, ये बुक्स अब तुम्हारे लिए ही हैं, माइन टू कीप ऑलवेज। ये हैदी बोली है, मेरा है, मैं हमेशा रख सकती हूँ, इवन वेन आई गो होम, अगर मैं घर पर जाती हूँ तब भी मैं ये बुक रख सकती हूँ। आस्क्ड हैदी, हैदी पूछी कि अगर ये बुक मेरा है तो अगर मैं घर पर भी जाती हूँ तो मैं हमेशा अपने साथ ये बुक रख सकती हूँ। फ्लश्ड विथ हैप्पीनेस, बहुत ही खुश होकर के ये बात पूछी, यस ऑफ कोर्स फॉर एवर ग्रैंड मदर एश्योर्ड हर। ग्रैंड मदर जो दादी माँ बोली कि हाँ हाँ हाँ, ये बुक तुम्हारे ही है, तुम इसको हमेशा के लिए रख सकती हो। टुमारो वी विल स्टार्ट टू रीड इट, हैदी बोली कि मैं कल से इसको पढ़ना ही स्टार्ट कर दूँगी। बिफोर सी वेंट टू बेड, वो बेड पे जाने से पहले हैदी लुक्ड एट हर बुक, वो अपने बुक को देखी, एंड फ्रॉम डैट डे ऑन हर ग्रेटेस्ट प्लीजर वॉज टू रीड ओवर एंड ओवर अगेन। और उस दिन से ही वो बहुत ही खुश होते गई और वो बुक को बार बार पढ़ना चाह रही थी, ओवर एंड ओवर अगेन पढ़ना चाह रही थी, यानी कि वो बार बार उस स्टोरी को, उस बुक को पढ़ना चाह रही थी। द स्टोरीज विथ बिलोंग टू द ब्यूटीफुल पिक्चर, जो स्टोरी जो ब्यूटीफुल पिक्चर से बिलोंग करती है उस स्टोरी पिक्चर को वो बार बार पढ़ना चाहती है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है हैदी लर्न्स टू रीड। आई होप कि आप लोग को अच्छे तरीक़ा से समझ में आया होगा। हैदी लर्न्स टू रीड, तो इस चैप्टर में आप लोग भी देखें कि कैसे एक छोटी सी बच्ची जो बचपन से ही अनाथ है, वो दूसरे के घर जो अपने दादाजी के साथ रहती थी, लेकिन वो एक रिच बच्ची का कंपेनियर बन के, यानी कि साथी बन करके उसके यहाँ जाती है, और वहाँ पे जब जाती है तो बहुत सारा डिफ़िकल्टी फेस करती है। वो दादी माँ से गुस्सा भी होती है, दादी माँ को बताना भी नहीं चाहती है, और दादी माँ उसको बहुत ही
प्यार से उसको बताती है कि तुम पढ़ना लिखना जान जाओगी। हैदी को पूछती है दादी माँ कि तुम पढ़ना लिखना क्यों नहीं जानती हो, तो वो बताती है कि पीटर मुझे बताया था कि पढ़ना और लिखना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन दादी माँ बोली कि वो पीटर बहुत ही बकवास बोल रहा था, फालतू बोल रहा था, मुझ पे भरोसा करो तुम पढ़ना लिखना जान जाओगी। और आखिरकार जो हैदी है पढ़ना और लिखना जान जाती है, बहुत ही हिम्मत से अपना सोच समझ के पढ़ना लिखना वो जान जाती है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, हैदी लर्न्स टू रीड। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।